हम भारतीयों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम लला का मंदिर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। चलिए समझते हैं इसके पूरे आर्किटेक्चर को। इस टेंपल को क्लासिक नागरा स्टाइल में बनाया जा रहा है और ये भारत का सबसे बड़ा टेंपल बेस होगा, जिसमें 67 एकड़ ओपन एरिया और 2.77 एकड़ टेंपल एरिया शामिल है। इसकी लेंथ 360 फीट, विड्थ 253 फीट और हाइट 161 फीट होगी। टेंपल में एंट्री के लिए टोटल 12 गेट्स बनाए जाएंगे और मेन एंट्रेंस का नाम है सिंह द्वार। सिंह द्वार पर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए सैंडस्टोन से बने गरुड़ स्टैचू के साथ साथ एलिफेंट्स, लायंस और हनुमान जी का भी स्टैचू है। द्रविड़ियन स्टाइल टेंपल्स की तरह यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी। टेंपल का फाउंडेशन 14 मीटर थिक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बनाया गया है। इस बेस को जगती कहते हैं और इस बेस के पैरामीटर में है प्रदक्षिणा पथ, जिसमें भक्त परिक्रमा लगाएंगे। बात करें अगर मेन टेंपल की तो ये 3 फ्लोर का है और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट है। मेन टेंपल में एंटर करने के बाद फामसना स्टाइल में बने हुए एक के बाद एक 5 मंडप मिलेंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये मंडप इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर का एसेंशियल पार्ट है, जो डिफरेंट पब्लिक रिचुअल्स के लिए यूज होते हैं। मेन टेंपल ग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर पे 160, फर्स्ट फ्लोर पे 132 और सेकंड फ्लोर पे 74 पिलर्स हैं। मंडप क्रॉस करने के बाद आता है गर्भगृह, जहां पर राम लल्ला विराजमान होंगे। गर्भगृह के ऊपर रेखा प्रसाद या लैटरा टाइप का शिखर बना हुआ है। शिखर के ऊपर है कलश और उसके ऊपर शान से लहरता हुआ ध्वज। दोस्तों, ये थी कहानी भगवान श्री राम लला के भव्य घर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।